हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसको लेकर के करीब 17 कमेटियां भी बनाई गई हैं जो लोगों के बीच में, अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर के इस मैनिफेस्टो को तैयार करने का काम कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री गीता भुक्कल जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, कमेटियाँ जा रही हैं, कई बैठकें कर चुकी हैं, किस प्रकार की ये कमेटियाँ हैं और इनको बनाने के पीछे का क्या आपका मकसद सोच रही? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया, उसमें हमारे बहुत सारे मेंबर्स उन्होंने हमें देने का काम किया। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र तैयार हुआ, जगह जगह पर जाकर आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो मैनिफेस्टो की कमेटी थी वो भी जगह जगह पर गई और उन्होंने हर वर्ग से जाकर बातचीत करने का काम की है और उसके बाद वो घोषणा पत्र तैयार किया है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो घोषणा पत्र आया, उसमें आपने देखा हमारा न्याय पत्र भी बना, तो उसी प्रकार से हमने हरियाणा में आदरणीय हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दीपक बाबरिया जी ने भी मार्गदर्शन करते हुए ये कहा है कि अलग से हमने करीबन 17-18 सब कमेटीज़ का गठन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी जो है उसमें मेंबर हैं। वो कमेटीज़ हमारी विभिन्न जिलों में जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो, चाहे किसानों की हमारी बात हो, हमने इनको न्याय चौपाल देने का काम किया है। चाहे महिलाओं की, जैसे कल महिलाओं की न्याय चौपाल जो है कल जैसे हमारी पंचकुला में हुई, झोगी झोपड़ियों से संबंधित हमारी एक न्याय चौपाल है जो कल हुई, और उसके अलावा इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो हमारे सरपंच हैं, चाहे पंच हैं, चाहे हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई है। आवारा और बेसहारा पशुओं को लेकर, एनिमल हस्बेंड्री इस डिपार्टमेंट को लेकर भी हमने चिंता व्यक्त की है। हमारी एक यूथ अफेयर्स कमेटी बनी है, उसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी हमारी जो है इसमें पूरी तरह से एक चर्चा हुई है, किसानों को लेकर जो हुई है, साथ में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो हमारा एक प्रयास रहेगा कि महिलाओं के लिए अलग से हम लोग कुछ ना कुछ घोषणाएं लेकर आए। दूसरा, आपने कल महिलाओं के लिए एक स्पेशल चौपाल भी की थी, क्या उसमें भी यही मकसद था? देखिए, बिल्कुल, नारी न्याय चौपाल का महिलाओं को पूरे प्रदेश भर से जो है महिलाएं कल आई, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भागीदारी ली। हम चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सभी को सशक्त किया जाए, तो नारी न्याय चौपाल का कल आयोजन किया। मैनिफेस्टो का काम आप कब तक पूरा कर लेंगे, कब तक अंतिम रूप दे देंगे, घोषणा कब करेंगे? ठीक है, वो पार्टी का एक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन आपकी ये कमेटियाँ आपको कब तक रिपोर्ट देंगी, आप इसका अंतिम प्रारूप कब तक बना लेंगे? देखिए, जब से हमने ये कमेटी का गठन करके और हमारे जिले लेवल पर जब से कमेटियाँ ये जा रही हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, जैसे व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, सब्जी मंडी वाले हैं, फल मंडी वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, मिडिल क्लास है, सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं और वो हम चाहते हैं कि हम इसका घोषणा पत्र में हम एक हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, जो हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का घोषणा पत्र रहेगा, वो सभी की आवाज़ बनकर एक आने वाली सरकार के लिए रोड मैप रहेगा। इसमें हमारी ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और हमारी कमेटीज़ की मीटिंग्स लगातार चल रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात करके, पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी से बात करके और बाकी जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो भी इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। और साथ ही साथ में जो हमारा 2005 का घोषणा पत्र, 9 का घोषणा पत्र, 14 का और 2019 का घोषणा पत्र था, इसमें भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमारा इसमें शामिल रहेगा। साथ ही साथ में 10 साल का हमारा जो कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में जो हमारी योजनाएं परियोजनाएं चली थी, इस बीजेपी की सरकार ने उनको खत्म करने का काम किया। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको भी योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में करें। तो हमारी ये प्रक्रिया चल रही है, हम उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी इस ड्राफ्ट को कंप्लीट करके लोगों के बीच में हम इसके प्रचार के लिए उतरेंगे। कल अमित शाह पंचकुला में थे, हरियाणा में थे, और उनका ये कहना था कि नेतृत्व जो है वो नायब सैनी का होगा भाजपा की तरफ से। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को भी, और नायब सैनी के नेतृत्व में जो भाजपा अब चुनाव लड़ेगी उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, वो बीजेपी का अपना जुरिडिक्शन है, वो किसको चेहरे को बनाकर चुनाव लड़ती है। पिछली बार भी मनोहर लाल खट्टर जी को उन्होंने फेस बनाया था और इस समय उनको ये लगा कि एंटी इनकमेंसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल रही है और लोगों ने बहुत ज़्यादा बहिष्कार इस सरकार का करने का काम किया।
तो लोकसभा के चुनाव के निकट जैसे ही शुरू होने वाले थे, इन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को बदलने का काम किया। आज ठीक है, नायब सिंह सैनी जी जो हैं इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं, अच्छी गवर्नेंस वो दें, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से सरकार ये फेल हुई है। और ठीक है, कोई भी चेहरा बीजेपी की तरफ से आए, जनता ने मन बना लिया है आने वाले समय में बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस भी देगी मैडम कोई चेहरा अपना अनाउंस करेगी? देखिए, कांग्रेस में ये जो है हाई कमांड का अपना एक जुरिडिक्शन है कि वो किसको देती है, विधायकों के हिसाब से देती है। जैसे पहले 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस ने जो है उनके नेतृत्व में यहाँ पर काम किया है। ये जुरिडिक्शन हमारा हाईकमांड का है और जनता ने मन बनाया है कि जिस प्रकार से 47.6% वोट छत्तीस बिरादरी ने, विशेष तौर से मैं कहूंगी दलित समाज ने, तो 100% वोट अगर मैं कहूंगी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति करके मुख्यमंत्री कई बार बयान भी देते हैं कि आपने झूठ फैलाया संविधान खत्म करने का। हमने क्या झूठ फैलाया मुख्यमंत्री जी को, आप बाइट सुनवा दीजिए। बहुत सारे सांसद लगातार उनके कहते रहे कि जिस समय 400 हमारे सांसद आ जाएंगे तो हम लोग संविधान को बदलने का काम करेंगे। उनको ये भी बता दीजिए कि संविधान की धज्जियां जिस प्रकार से सरकार ने उड़ाने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया, चुने हुए नुमाइंदों को आपने बाहर, 154 सांसद पहली बार जो है संसद से बाहर, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया बिना चर्चा के जो है बिल वहां पर पास हो गए। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो उनको ही लगता है संविधान को खतरा तो हमेशा ही था, इसीलिए हमने जय संविधान की बात कही है। और बड़ी चिंता का विषय है, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस समय हमारे एक सांसद वहाँ पर शपथ ले रहे थे, सदस्यता की शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने जय संविधान कहा और इस प्रकार से हमारे लोकसभा के स्पीकर का उनको बीच में से टोकना और इस तरह की टिप्पणी करना बड़ा ही गंभीर विषय है कि उन्होंने तो जय संविधान कहा था। जय संविधान कहने में उनको आपत्ति क्या है, इस बात पे क्या आपत्ति थी कि इस तरह से उनको रिएक्ट करना पड़ा? तो संविधान को तो ये बदल ही देते, ये तो जनता ने मन बना दिया, ये तो जनता ने एक मजबूत विपक्ष, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं उनको हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी थे तब भी मोदी जी से अगर किसी ने सीधी टक्कर ली तो राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस ने ली। अब वो इंडिया गठबंधन के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है, और डेमोक्रेसी में अगर सत्ता पक्ष है, विपक्ष मजबूत होगा तो आम जनमानस के मुद्दे हैं लगातार उठते रहेंगे। जैसे मुद्दा तो नीट की परीक्षा को लेकर था और धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं, एनटीए को उन्होंने पहले दिन ही क्लीन चिट दे दी, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सीबीआई तक की जाँच को, उसके बाद नेट की परीक्षा कैंसिल हो गई, लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया, पेपर लीक हो गए, पेपर लीक करने वाले और खरीदने वाले और बेचने वाले पकड़े गए, और ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है, तो बड़ा गंभीर विषय है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ये विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है। पहले भी आपने देखा होगा नीट की परीक्षा जब हुई थी, लगातार यहाँ पर रोहतक पीजीआई और उसके आसपास हमारे बच्चे जो है लगातार धरने पर बैठे रहे। आप कह रहे हैं बेरोजगारी युवाओं की, पढ़े लिखे बेरोजगारी युवाओं की लाइन बनती जा रही है, और आप जब हमारे नेता चर्चा करना चाहते हैं, हमारी पार्टी चर्चा करना चाहती है, तो आप उनका माइक बंद करने का काम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में हमारे लीडर हैं, उनको वेल में जाना पड़ा ये बात कहने के लिए। तो लोकतंत्र में आप चुने हुए नुमाइंदों की अगर इस तरह से माइक बंद करेंगे तो आप तो संविधान तो बदलने की तैयारी कर चुके थे। ये तो कांग्रेस ने, आम जनमानस ने ये लड़ाई लड़ी, और हम समझते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की अगर किसी ने बात कही, इंडिया गठबंधन ने कही, और हम आश्वासन देना चाहते हैं संविधान को कतई बदलने नहीं देंगे और सबके हकों को बचा कर रखेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री गीता भुक्कल हमारे साथ थी, मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन है, और साथ ही साथ किस प्रकार का मैनिफेस्टो बन रहा है, किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, नायब सैनी को जो चेहरा बनाया गया है उस पर तो प्रतिक्रिया दी ही, लेकिन संविधान को लेकर के जो बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी उस पर अब जो कटाक्ष बीजेपी कर रही है, वो सवाल पूछते ही तमाम वो बातें भी बताते नजर आई कि किस प्रकार से संविधान को जो है ख़त्म करने को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही थी और मजबूत विपक्ष दे करके जनता ने उनको जवाब दिया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।